ये है ग्लैमरस फेस का SPF 35 फेस पाउडर है। इसमें मैं आप लोगों को इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फ़ायदे और नुकसान बताऊंगी, ये बताऊंगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं, और इसकी प्राइस भी बताऊंगी आप लोगों को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, और मेरे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, दुआएं, सब कुछ। और जनाब, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगेन जैसे कि पहले भी होती हैं। तो जनाब, टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो आज की वीडियो वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो जी जनाब, आज मैं इस फेस पाउडर का रिव्यू करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, अगर सही तरह से नज़र आए तो ये है ग्लैमरस फेस का SPF 35 फेस पाउडर है। तो इसका डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ। इसमें मैं आप लोगों को इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फ़ायदे और नुकसान बताऊँगी, ये बताऊँगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं, और इसकी प्राइस भी बताऊँगी आप लोगों को। और सबसे जो लास्ट पे जो मेरा वर्डिक्ट है, मतलब ये कि मैं इसको रिकमेंड करती हूँ या नहीं करती, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलें जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, पिंक कलर की है, अच्छी है। और ये इसके अंदर एक मिरर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, ये इसको मैंने साफ़ भी किया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। और ये है इसका इनर व्यू, ठीक है। तो इसके साथ एक स्पंज भी आता है, और ये स्पंज जो है वो नीचे रखने की जगह है इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ रखा जाता है, और हम लोग इतनी ज़हमत नहीं करते कि हम इसे उठा के नीचे रखें, तो हम ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने शेड मंगवाया है, असल में मैंने उनको आइवरी बोला था, या आइवरी से एक शेड लाइटर, सॉरी डार्क, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह से गाइड नहीं किया और 3 भेज दिया है। तो ये मेरी स्किन से थोड़ा सा जो है ना डार्क है, ये आप देख सकते हैं, इधर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इवन जब मैं फेस पे लगाती हूँ ना, तो थोड़ा सा डार्क डार्क लगता है, लेकिन चल जाता है, काम अच्छी तरह से चल जाता है, अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ तो अच्छा लगता है। तो चलें जी, अब मैं इसके फ़ायदे आप लोगों को बताती चलूँ कि ये देखिए, आप इसके ऊपर लिखा हुआ है कि SPF 35 परफेक्ट नेचुरल UV ऑयल, ऑयल फ्री फाउंडेशन 2-way केक, ठीक है। ये 2-way केक इन्होंने इसलिए बोला हुआ है कि क्योंकि ये हम लोग फाउंडेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया हुआ तो हम जस्ट इसको स्पंज को वेट करके और अपने फेस के ऊपर लगाएं, तो यार ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर बना देता है आपके फेस के ऊपर। और गर्मियों में जैसे कि आपको पता है कि फाउंडेशन लगाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, तो ये फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है गर्मियों में, सिर्फ आप स्पंज को वेट करें और अपने फेस पे लगाएं, ज़बरदस्त किस्म की फाउंडेशन टाइप आपका जो है वो फेस हो जाता है। इस वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरी इसकी बात अच्छी है कि इसके अंदर SPF 35 है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट के अंदर होना काफ़ी अच्छा होता है कि अगर समटाइम्स आप भूल जाते हैं अपना SPF लगाना, तो कोई बात नहीं है, आपको प्रोडक्ट के अंदर मिल जाए। लेकिन यह है कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम सबसे पहले अपना सनब्लॉक, सनस्क्रीन जो भी है वो हम लोग यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ऑर्डर करें तो आप लाजमी अपना शेड अच्छी तरह से ढूंढ के तभी आप ऑर्डर करें, ऐसे ही आप ऑर्डर मत कर दिया करें। अगर आपका शेड नहीं है तो वो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट जो है ना वो बेकार हो जाएगी, आपकी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तो आपने अपना शेड अच्छी तरह से मैच करके तब ऑर्डर करना है। और दूसरी बात ये कि आपने किसी अथेंटिक जगह से ऑर्डर करना है, एवं किसी जगह से ऑर्डर नहीं कर देना। तो इंस्टाग्राम के ऊपर इनका पेज भी है ग्लैमरस फेस वालों का, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हत्ता कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिंक वगैरह हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर दूंगी कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है, अगर आपने बाय करना है। और जो तीसरी बात है कि इसकी प्राइस क्या है, प्राइस इसकी काफ़ी रीज़नेबल है, प्राइस इसकी 450 रुपया है, वैसे तो 450, लेकिन जब आप डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो तकरीबन अगर 200, 150, 200 रुपया ऐड हो जाए तो वो
550-600 तक ये काम चला जाता है। लेकिन यह है कि पहले इनकी प्राइसेस काफ़ी कम थी और अभी जैसे कि हर एक चीज़ की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई हैं तो इनकी भी बनती थी। और लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखा जाए कि ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है कि नहीं है, तो ये बहुत अच्छी और वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम इसके लिए 650-600 भी हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि मार्केट में जितने हम लोग अच्छी ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो उनके लूज़ पाउडर फेस पाउडर बहुत एक्सपेंसिव हैं। 1600, 1700, 2000, 2200 ये रेट चल रहा है। तो अगर हमें इतनी कम प्राइस में 600 में इतना अच्छा फेस पाउडर मिल रहा है तो वाई नॉट, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लॉन्ग लास्टिंग की इसकी बात कर लें कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तकरीबन अगर आप इसको फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर तो आपका जो भी फंक्शन है 7-8-9 घंटे का वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छी तरह से स्पंज को वेट करके और एक अच्छी लेयर अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर, तो फिर ये जो है ना आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन अगर आप हल्का हल्का सा गर्मियों में खाली स्पंज के साथ अपने फेस के ऊपर आप ड्राई ड्राई सा लगा लेते हैं तो वो ये है कि फिर घंटे डेढ़ के बाद आपका जो है वो कम हो जाती है, उसकी वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो फिर टचअप्स आपको करने पड़ते हैं। अगर आप टचअप कर सकते हैं तो आप इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप उसको स्पंज को वेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि ये जो है ना फेस को थोड़ा केकी कर देता है, ठीक है। जो इसका मेरे ख्याल में ड्रॉबैक तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको लॉन्ग लास्टिंग उन्होंने बनाया, इतनी अच्छी प्रोडक्ट दिया, तो केकी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा करेगा ही, ठीक है। तो जी जनाब, कंक्लूजन यही है कि इसके बाकी सारे तो फ़ायदे ही हैं, सिर्फ एक, अगर आपको केकी लुक अच्छी नहीं लगती तो तब आपको ये इसका ड्रॉबैक लगेगा, वरना सारे इसके जो है फ़ायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, इस वजह से मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है, आप इसको बाय कर सकते हैं आराम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अब आप लोगों के लिए बहुत मज़े के रिव्यूज़ ला रही हूँ मैं। आपने जो है अपडेट रहना है मेरे चैनल के ऊपर, बिल्कुल भी किसी वीडियो को मिस नहीं करना। तो बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में जो है वो सारी चीज़ों के मैं रिव्यूज़ करने वाली हूँ, इस वजह से आपने अपडेट रहना है, ठीक है। और एक लास्ट में बात ये भी करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कलेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। ये देखें मेरी ज्वेलरी, मुझे पता है कि इसके बाद इसके ऊपर भी कमेंट्स आने वाले हैं, तो इस वजह से आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपनी कलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत अच्छा लगा मुझे काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।